नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। और मैं हूं आनंद कुमार। और आज के इस लेक्चर में हम पिछले कुछ दिनों का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने 29 जुलाई तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सब का एनालिसिस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में 30 जुलाई से लेकर आज तक, यानी कि 13 अगस्त तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको यहाँ आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है कहाँ मिलता है, वो टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ आपको यहाँ अवेलेबल होगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी रहता है, जहाँ से आपको सुविधा लगे वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ और भी अदर इन्फॉर्मेशन जो है आपको अवेलेबल हम कराते रहते हैं। रेगुलर करंट अफेयर्स अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक। और अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर कर सकते हैं, ये आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, इसके बाद अब हम शुरू करते हैं डायरेक्ट टॉपिक। आज हम क्वेश्चंस नहीं देख रहे, आने वाला जो अगला वीडियो होगा उसमें हम क्वेश्चंस सारे कवर कर लेंगे। एक बात और, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर एक वीडियो कल आपको मिल जाएगा और मंडे या ट्यूजडे आगे का भी कवर करा दिया जाएगा। तो आने वाले 3 से 4 दिनों में आपका नेशनल और इंटरनेशनल भी पूरी तरह से कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर वन डे एग्जाम के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स के लिए। टॉपिक का नाम है चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग अधिग्रहण विधेयक 2021, यानी कि चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज दुर्ग एक्विजिशन बिल 2021। यह महाविद्यालय यानी कि कॉलेज जो है पिछले कुछ समय से लगातार विवादों में भी है, क्योंकि आपको पता है कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हुआ करता था जिस पर धोखाधड़ी का आरोप भी लगा था और ये काफी समय से बंद भी यह कॉलेज था। लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार जो है इसका एक्विजिशन करने जा रही है, अधिग्रहण करने जा रही है और विधानसभा में ध्वनि मत से इसका बिल जो है वो पास भी हो चुका है। तो आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यह देखिए कि सबसे पहले अगर पूछा जाता है कि यह महाविद्यालय यानी कि मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है तो दुर्ग जिले में स्थित है। पहले प्राइवेट हुआ करता था लेकिन अब जो है यह एक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय होगा। अभी वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में कितने मेडिकल कॉलेज जो है वो संचालित है, तो टोटल नंबर याद रखिएगा, 6 मेडिकल शासकीय मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में जो है वो संचालित है। इसके अलावा हमने बहुत पहले लगभग 2020 में हमने पढ़ा था, जब रिवीजन कर रहा था तभी पढ़ा था और पिछले साल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 3 मेडिकल कॉलेज खोले जाने की अनुमति राज्य सरकार को प्रदान कर दी गई थी। पहला कौन सा था, ये 3 जगह कौन सा था, एक आपका कोरबा, दूसरा आपका था महासमुंद और तीसरा आपका कांकेर। ये 3 जगह पे मेडिकल कॉलेज, शासकीय मेडिकल कॉलेज खोले जाने की अनुमति केंद्र सरकार की तरफ से दे दी गई थी और इसमें जो फंडिंग था वो 60-40 का रेशियो था, यानी कि 60% केंद्र सरकार खर्च करती और 40% राज्य सरकार को खर्च करना है। 6 शासकीय मेडिकल कॉलेज ये और 3 अगर ये खुल जाता है तो टोटल मिलाकर 9 हो जाएगा और यह अधिग्रहण के बाद जब ये शुरू हो जाता है तो टोटल शासकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। लेकिन वर्तमान समय में संचालित मेडिकल कॉलेजों की संख्या अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में तो वो बताना है आपको 6, क्लियर है। और यह जो 3 प्रस्तावित है यानी कि इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल चुका है, ये 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोटल देश भर में 75 मेडिकल कॉलेजेस खोले जाने का प्रस्ताव जो है वो अप्रूव किया था, जिसमें से 3 मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में खोले जाने हैं, ठीक। चलिए बढ़े आगे। इसके बाद एक कैंपेन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपका वन डे एग्जाम के लिए, कैंपेन का नाम है उन्मुक्त। यह कैंपेन इसलिए खोला गया है, यह कैंपेन जो है इसलिए शुरू किया गया है जो अभी वर्तमान समय में ऐसे कैदी जो जेल में हैं लेकिन वो छत्तीसगढ़ शासन के नीतियों के अनुसार अगर वो एलिजिबल है सजा प्राप्त करने से पहले बाहर आने के लिए तो इस कैंपेन के तहत वो जेल से बाहर आ सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बिलासपुर एंड जेल डिपार्टमेंट रायपुर के संयुक्त पहल से इस कैंपेन को शुरू किया गया है जिसका नाम है उन्मुक्त। कैंपेन याद रखिएगा और स्कीम्स याद रखिएगा। कैंपेन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो उन्मुक्त अभियान किस उद्देश्य के साथ में शुरू किया गया है, तो आंसर होगा आपको कि ऐसे दोषी यानी कि ऐसे कैदी जो बंदी की तरह अभी जेल में है और उन्हें रिहा करने हेतु राज्य शासन द्वारा बनाए गए नीति अनुसार समय पूर्व अगर रिहाई हेतु वो पात्र हैं तो उन्हें इस जेल से
बाहर निकाला जाएगा। तो इस उद्देश्य के साथ में उन्मुक्त नामक एक कैंपेन शुरू किया गया है, किसके द्वारा, तो छत्तीसगढ़ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और जेल डिपार्टमेंट रायपुर की तरफ से, ठीक है। और यह अभियान जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आप इसे कह सकते हो कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया है। और इस पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च करने का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त से दिया है, और एक यानी कि 1 अगस्त से शुरू हुआ, और यह पायलट प्रोजेक्ट जो है 3 स्टेट में शुरू किया गया है, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़। उसी के तहत जो है छत्तीसगढ़ में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है, क्लियर है। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है ये भी प्रीलिम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है UNCCD। UNCCD का मतलब है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। यह मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए यह एजेंसी जो है वो कार्य करती है, और इस एजेंसी ने अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के वन मंत्री श्री अकबर को सम्मानित किया है। किस लिए सम्मानित किया है, तो छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका बेहतर मार्केट तलाशने के लिए और इसके डेवलपमेंट की दिशा में जो सराहनीय कार्य छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए जो है इस संस्था के द्वारा यानी कि UNCCD के तरफ से वन मंत्री श्री अकबर को जो है वो सम्मानित किया गया है। और वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के पारंपरिक वैद्य एवं संघ के प्रांतीय जो सचिव हैं जिनका नाम है श्री निर्मल अवस्थी, इन्हें भी सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अगर छत्तीसगढ़ के किसी इंडिविजुअल पर्सन को सम्मानित किया जा रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसलिए ये आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पर देखिए कि छत्तीसगढ़ में जो औषधीय पौधे हैं यानी कि परंपरागत से जो औषधीय पौधों का निर्माण किया जा रहा है, इसमें खास क्या है, तो मौसमी बीमारियों के अलावा जो असाध्य रोग होते हैं जैसे जीवनदायिनी वन औषधि हो गया जिसमें ब्राह्मणी अश्वगंधा हो गया, सतावर हो गया, तुलसी हो गया, कालमेघ हो गया, गिलोय हो गया, अड़ूसा हो गया, तो इस तरह से जितने भी यहाँ पर वन औषधि हैं इनका संरक्षण छत्तीसगढ़ में बहुत बेहतर तरीके से किया जा रहा है, इसके लिए मार्केट भी बेहतर तलाशे जा रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, तो इन्हीं सब वजह से जो है इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इन्हें सम्मानित किया गया है। अब UNCCD के बारे में भी समझ लेते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन क्या है। तो यह एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है कि जैसे मैंने आपको बताया, और यह जो है मरुस्थली रोकथाम हेतु एक जो है कन्वेंशन है, और यह कन्वेंशन जो है रियो में 3 कन्वेंशन हुआ था और 3 कन्वेंशन में से यह 1 कन्वेंशन है। तो रियो में जो हुआ 3 कन्वेंशन, ये 3 कन्वेंशन क्यों हुआ था, तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यह 3 कन्वेंशन रियो में हुआ था यूनाइटेड नेशन की तरफ से, जिसमें से एक तो डेजर्टिफिकेशन वाला हो गया और दूसरा है आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि CBD, और तीसरा है इस कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC। तो ये 3 कन्वेंशन के बारे में भी याद रखिएगा, मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर एनवायरमेंट से रिलेटेड कहीं पर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो वैल्यूएशन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। और आपको एक बात और भी याद रखना है कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 17 जून को जो है वो प्रत्येक वर्ष विश्व मरुस्थली दिवस मनाया जाता है, या फिर सूखा रोकथाम दिवस भी आप इसे कह सकते हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, अगला टॉपिक फिर से ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। राज्यपाल ने एक पुस्तक का विमोचन किया है, राज्यपाल यानी कि श्रीमती अनुसुईया उइके जी ने। इस पुस्तक का नाम क्या है, छुई खदान के रियासत का इतिहास, यह पुस्तक का नाम है, और इस पुस्तक के जो रचयिता है वो डॉक्टर शैलेंद्र सिंह है। लेखक का नाम याद रखिएगा, पुस्तक का नाम याद रखिएगा, और इनका यह दावा है कि यह छत्तीसगढ़ की रियासत पर लिखी गई पहली किताब है। इनका यह दावा है तो प्रीलिम्स के लिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसमें छुई खदान के रियासत का यानी कि जो बैरागी राजा की प्रशासनिक संरचना था इन सब स्ट्रक्चर का वर्णन किया गया है, और इसके साथ ही इसमें से रियासत का जो राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियां थी उसका भी इस किताब में जो है वर्णन किया गया है। तो इस किताब का खासकर नाम आप याद रखिएगा, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए ये आपका मस्ट मस्ट जितना इंपॉर्टेंट बोल लो हो सकता है दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी और आपका मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी। छत्तीसगढ़ में कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं
वो सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है? तो छत्तीसगढ़ लघु वनोपज को 10 राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। किस लिए? यानी कि माइनस, यानी कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उन प्रोडक्ट के लिए छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो भी बेहतर कार्य किए गए हैं, जो भी इम्प्लीमेंटेशन किए गए हैं, जो भी स्कीम्स चलाए गए हैं, उसके लिए टोटल 10 अवार्ड प्रदान किया गया है। कब प्रदान किया गया है? तो डेट याद रखिएगा, 6 अगस्त को। अब किस लिए प्रदान किया गया है? तो दो चीज याद रखिएगा, एक तो वन धन योजना का बेहतर इंप्लीमेंटेशन के लिए इसे सम्मानित किया गया है, और दूसरा जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 52 लघु वनोपज पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, इसके लिए भी इसे सम्मानित किया गया है। 8 कैटेगरी में, यानी कि उपवर्गों में, छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और इनोवेशन के तहत वनोपज को बढ़ावा देने के लिए जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है, उसमें छत्तीसगढ़ को 2 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यानी कि टोटल जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं इस क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ को 10 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ, यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि ट्राइफेड के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये याद रखिएगा कि किसकी तरफ से दिया गया है, तो ट्राइफेड की तरफ से। और आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में 52 जो है लघु वनोपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, जो 2018 आप कह सकते हो 18 से पहले जो है सिर्फ 7 लघु वनोपज पर समर्थन मूल्य प्रदान किया जाता था, जो कि अब 52 लघु वनोपज पर समर्थन मूल्य प्रदान किया जा रहा है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप लोग यहां पर नोट कर लीजिए, आपका मेंस के एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो सकता है, वैल्यू एडिशन के लिए कार्य इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो राज्य में 4785 महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से इन वनोपज को खरीदा जा रहा है। ये नंबर याद रखिएगा, 4785। वनोपज की संख्या एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने के बाद 13 लाख से अधिक गरीब परिवार, या फिर आप आदिवासी कह ले, उन्हें संग्रहण करने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है 501.70 करोड़ रुपए अतिरिक्त आय के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है उनके प्रोडक्ट को खरीदने के बाद। और राज्य में लघु वनोपज की प्राथमिक प्रसंस्करण हेतु 139 वन धन विकास केंद्रों की स्थापना की गई है, 139। और पहला जो वन धन विकास केंद्र था वो कहां स्थापित किया गया था? वो किया गया था आपका बीजापुर में। कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 14 अप्रैल 2018 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पहला जो है वनधन विकास केंद्र की स्थापना किया गया था, और यहीं से बीजापुर से ही वनधन योजना की शुरुआत की गई थी 14 अप्रैल 2018 को। और इन वनधन केंद्रों के माध्यम से जो है लघु वन उपज की खरीदी की जा रही है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, सारे कार्य यहीं से किया जा रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर वनधन स्कीम के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि 14 अप्रैल 2018 से जो है इस दिन क्या होता है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिवस है, ये भी याद रखिएगा। और इसी दिन से वनधन योजना की शुरुआत की गई और बीजापुर में पहला वनधन विकास केंद्र खोला गया, ठीक। और विकास केंद्र क्यों खोला गया और वनधन योजना का उद्देश्य क्या है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, जनजातीय समूहों के लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। और टारगेट रखा गया था 2018 में कि पूरे देश भर में 30,000 केंद्र स्थापित किए जाएंगे वनधन विकास केंद्र, और जिसमें छत्तीसगढ़ में जो है 139 विकास केंद्र जो है वो खोला गया है। और छत्तीसगढ़ सरकार को अलग अलग प्रोडक्ट में जो है बेहतर कार्य करने के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। जैसे यहाँ पर एक चीज नोट करके रखिएगा कि महुआ से यहाँ सैनिटाइजर बनाया जा रहा है, तो उसे भी काफी सराहा गया और उस कैटेगरी में उसे प्रथम अवार्ड प्राप्त हुआ। इसलिए इमली से भी जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ को बेहतर प्राइस मिला है, ठीक। चलिए, तो 10 पुरस्कार मिला है, इस बात को खासा फोकस करके याद रखिएगा। चलिए, अगला जो टॉपिक है, छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस पर 2 नया रिकॉर्ड बना है, या फिर 2 नया कृतिमान आप इसे कह सकते हो। कौन कौन सा है? तो पहला, छत्तीसगढ़ में देश में पहली बार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जितने भी आदिवासी, यानी कि जो कि अर्बन एरियाज में रहते हैं, और
ये टाइगर रिजर्व का जो कोर एरिया है, उस क्षेत्र में जो लगे हुए गांव हैं, वहां के सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त करने के लिए उन्हें मान्यता दिया गया है और इसका वितरण भी शुरू कर दिया गया है। टाइगर रिजर्व का कोर क्षेत्र कहने का मतलब है कि उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के आसपास में जो कोर क्षेत्र है, वहां पर सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार प्राप्त करने के लिए उन्हें मान्यता दिया गया है और उसका वितरण भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया है। ये पहले कैटेगरी में 5 ऐसे गांव हैं जिन्हें यह मान्यता दिया गया है और इस 5 गांव के लोगों को जो है 14,000 एकड़ के लगभग जो वन भूमि है उस पर अधिकार दिया गया है, यानी कि वहां के वन के जो संसाधन है, वन का संसाधन इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पेड़ को छोड़कर, यानी कि पेड़ के जड़ को छोड़कर, उसके तना को छोड़कर जो उसमें फल फूल लगते हैं उसका इस्तेमाल ये कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला। इसके बाद जो दूसरा है, देश में पहली बार प्रदेश के शहरों में रहने वाले आदिवासी समुदाय को जंगलों पर अधिकार देने की शुरुआत धमतरी के नगर पंचायत नगरी से की गई है। समझ रहे हैं? तो ये दो कैटेगरी है। यहां पर पहला हो गया जहां पर टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में जो है इन्हें वन संसाधन अधिकारों पर मान्यता प्रदान किया गया है, और दूसरा जो है धमतरी जिले के नगर पंचायत नगरी में जो है यहां पर जंगलों पर अधिकार देने की शुरुआत की गई है। और ये दोनों कैटेगरी जो है शहरी क्षेत्रों में शुरू किया गया है, जो कि पूरे देश भर में पहला ऐसा राज्य है जो शहरी क्षेत्रों के आदिवासियों को इस तरह का मान्यता जो है वो दिया जा रहा है। और ये नगरी क्षेत्र में 3 गांव आते हैं और इन 3 गांवों के लगभग 10,000 एकड़ जो वन भूमि है उस पर मान्यता दिया गया है। चलिए ठीक आगे बढ़े। और यह नगर पंचायत के 3 गांव मिलकर बनी है जिसका नाम है चुरियारा, तुम्बहारा और नगरी। यहाँ के 3,000 लोगों को 10,200 एकड़ पर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक चलिए, इसके बाद जो अगला टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जनजातीय एटलस जारी किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, और इस तरह का एटलस जारी करने वाला छत्तीसगढ़ जो है उड़ीसा और झारखंड के बाद तीसरा देश है। यह जनजातीय एटलस है क्या? तो यह जनजातीय एटलस जो है जनजातियों के कल्चर और उनकी संस्कृति, रीति रिवाज, बोलियों का संपूर्ण जानकारी जो है इस एटलस में होगा। और इस एटलस को किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट TRI द्वारा तैयार किया गया है, याद रखिएगा। और ओडिशा और झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ तीसरा ऐसा राज्य बना है जिसने जनजातीय एटलस को जारी किया। रिसेंट एटलस में क्या क्या खास बात है, ये सारी चीजें इसमें मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर? चलिए इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है भारत सरकार द्वारा, यानी कि सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की तरफ से। आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष पूरे देश भर में जो बेहतर कार्य करने वाले पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि पुलिस होते हैं, उनको होम मिनिस्ट्री द्वारा सम्मानित किया जाता है। और इस वर्ष होम मिनिस्ट्री द्वारा जो सम्मान दिया गया है पूरे देश भर में पुलिसों को, उसमें छत्तीसगढ़ के भी 3 पुलिस शामिल हैं। और उत्कृष्ट विवेचना यानी कि आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए इनको जो है यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और इन तीनों का नाम याद रखिएगा, वर्ष 2021 के लिए सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की तरफ से दिया जा रहा है। बेमेतरा में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक हैं श्री राजीव शर्मा, राजनांदगांव में पदस्थ उप निरीक्षक हैं श्रीमती इंदिरा वैष्णव, और बस्तर में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक हैं श्रीमती इंदु शर्मा। तो 3 जगह का नाम याद रखिएगा। पहला क्या है, बेमेतरा जिले के बारे में याद रखिएगा, राजनांदगांव जिले के बारे में याद रखिएगा, बस्तर। ये 3 जिलों के 3 पुलिस ऑफिसर्स को जो है सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की तरफ से सम्मानित किया जाएगा वन डे एग्जाम के लिए। इनके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक चलिए, आज के इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है हरेली तिहार 2021। प्रत्येक वर्ष सबसे पहले याद रखिएगा कि हरेली तिहार जो है, यानी कि त्योहार जो है, वो कब मनाया जाता है? तो सावन मास की अमावस्या को प्रत्येक वर्ष हरेली तिहार मनाया जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर आप पहले दे दो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है कि पिछले वर्ष हरेली तिहार पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, तो आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।
और इस वर्ष जो है सावन मास का अमावस्या कौन सी तारीख को पड़ा, तो 8 अगस्त को पड़ा और इसी दिन हरेली त्योहार मनाया गया। यह छत्तीसगढ़ जीवन शैली और प्रकृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है और जिसे छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार भी कहा जाता है। कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ में हर साल सावन में जुताई और बुआई का काम कंप्लीट हो जाता है, तो किसान जो है वो अपने हल ये सब सारी चीजों को संजो कर रख देते हैं और अपने आप को आराम देते हैं, और इसीलिए और औजारों का जो है यानी कि जो हल वल जोतते हैं उन सब का पूजा करके अच्छे से रख देते हैं और इस दिन को एंजॉय करते हैं। अलग अलग पकवान बनाया जाता है और इस तरह से गेड़ी भी खेला जाता है, और इस मौसम में रोग फैलाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं और जो वायरस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो घरों के दरवाजे पे जो है वो इमली का छोटे छोटे डाल को तोड़कर या झाड़ी को तोड़कर लटकाया जाता है ताकि उन्हें वायरस से प्रोटेक्शन मिल सके। ऐसी भी मान्यता है जो कि हरेली त्यौहार के दिन ही होता है। हरेली त्यौहार से जुड़े हुए और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आप लोग आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में बहुत सारे इनके पॉइंट्स को पढ़े होंगे। तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, और जैसा मैंने बोला था कि नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर के जितने टॉपिक्स हैं जितने वीडियोज़ हैं वो आने वाले आपके 3 से 4 दिनों में पूरा कवर करा दूंगा, इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए, तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया गया है। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।